केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सीएम मोहन यादव से शिकायत करने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनय द्विवेदी पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के रिश्तेदार अशोक ध्रुवे भी विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर वो CGM कमर्शियल स्टोर और परचेसिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। इसी कंपनी में अनय द्विवेदी MD की पोस्ट पर हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक मीटिंग में अनय द्विवेदी ने अशोक ध्रुवे को फटकार लगाई, जिसकी शिकायत फग्गन सिंह कुलस्ते से की गई। इसी को लेकर कुलस्ते का बयान सामने आया। कुलस्ते ने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक भाषा कहता है तो उस पर कार्रवाई होगी, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। अपमानजनक व्यवहार करने वालों को प्रमुख पदों पर नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को ऑफिस का काम दिया जाना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है और हार जीत अपनी जगह, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान में कई बार दोहराया कि इस तरह का व्यवहार करने वालों को उच्च पद पर नहीं रहना चाहिए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनय द्विवेदी ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं, अब ध्रुवे की पोस्टिंग फील्ड में कर देते हैं। इसी बात से कुलस्ते नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते भी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव में BJP की तरफ से उतारा गया था, लेकिन कुलस्ते को निवास विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था।